बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मिर्ज़ा कादर एंड आई एम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन केमिस्ट्री एट टीपीएस एंड एंटर कॉलेज साहिबा। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 9, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 9.1, 9.2 एंड 9.3। आज का लेसन शुरू करने से पहले कुछ पिछले लेसन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आज का लेसन समझने के लिए। आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन पढ़ी है। सपोज करें ये एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल सी और कैपिटल डी जो हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, और इनके साथ जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस में दो रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए into concentration of B. फिर rate of forward reaction is equal to Kf concentration of A and concentration of B, where Kf is rate constant for forward reaction. Similarly, rate of reverse reaction is directly proportional to concentration of C into concentration of D, और जो small c और small d हैं इनको आपने एक्सपोनेंट बना देना है क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, वेयर के आर इज रेट कॉन्स्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने शो की है आर एफ से, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हमने शो की है आर आर से, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, आर एफ इज इक्वल टू आर आर। आर एफ की जगह पे हमने पुट किया है के एफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, दैट इज रेट इक्वेशन ऑफ आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और आर आर की जगह पुट करते हैं के आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, और ये रेट इक्वेशन है रिवर्स रिएक्शन की। नेक्स्ट जो है हम इसको के आर को जो है वो लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं, तो ये के एफ ये बन जाएगा के एफ ओवर के आर, रेशियो बन जाएगी रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की रेशियो बन जाएगी। अब हमने इधर से जो है वो ए और बी को जो है वो राइट साइड पर ले आना है, जिससे क्या बन जाएगा फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। फिर हमने क्या यहाँ पे क्या किया है कि के एफ और के आर की रेशियो को रिप्रेजेंट किया है के सी से, दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और ये जो के सी है इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है ये वाला, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो अब हम आज का लेसन शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस एक्सप्रेशन को दोबारा देखें जिसे हमने नाम दिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का, तो इसी को हम देखते हुए
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है वो डिफाइन करेंगे। एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी रेशियो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान जो रेशियो है उसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको नोमिनेटर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है उसको हमने डिनोमिनेटर के तौर पे कंसिडर करना है, और उनके जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हमने एक्सपोनेंट्स बना दिया है। तो अब हम इसी एक्सप्रेशन को देखते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला नोमिनेटर जो है इसको इसके बारे में हम ऐसे जो है पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। यहां तक बात हुई है इस ऊपर वाले हिस्से की नोमिनेटर की, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, यानी प्रोडक्ट्स के जो नंबर मोल हैं उनको हमने एक्सपोनेंट्स बना दिया। अब टू, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब ये बात जो है ये इस हिस्से की जा रही है डिनोमिनेटर में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक। तो हम इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जरा रिपीट कर लेते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन। अब हम इसका फार्मूला भी ऐसे लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू जो बात नोमिनेटर की है उसको हमने लिख लेना है सारा ऊपर, मतलब एज ए नोमिनेटर, और जो बात हमने डिनोमिनेटर के बारे में की है उसको हमने लिख लेना है नीचे। तो यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है वो फार्मूला है। इट इज कन्वेंशनल टू राइट द प्रोडक्ट साइड नोमिनेटर एंड रिएक्टेंट्स एज डिनोमिनेटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने हमेशा जो है नोमिनेटर कंसिडर करना है और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में दो बातें पूछी जा सकती हैं, एक केसी की वेरीफाइंड करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वेरीफाइंड करना, और दूसरा इसकी यूनिट फाइंड करना। न्यूमेरिकल में यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वेरीफाइंड करना और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करना। न्यूमेरिकल्स में केसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए केसी एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की गिवन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को पुट करके हम केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी दिया होता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी दिया होता है, मतलब इनकी प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट की जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हैं वो न्यूमेरिकल में दी होती हैं। आपने यहाँ पे उनकी वैल्यूज जो है वो पुट करके आपने केसी की वैल्यू निकालना होती है। यहाँ एक और बात भी है कि चूंकि इस एक्सप्रेशन में जो है वो टोटली तीन चीज़ें हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, दूसरी चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तीसरी चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो न्यूमेरिकल में अगर केसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया हो तो सिंपली हम प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पुट करके केसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरी सूरत में ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स में केसी की वैल्यू जो है वो गिवन होती है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना होता है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करना होता है। यानी टोटल तीन चीज़ें हैं, केसी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है और
रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी पूछी जा सकती है। तो इस केस में केसी की वैल्यू अगर गिवन हो तो हम अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो ए बी की कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे, ठीक है। या फिर अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट इनकी फाइंड करनी हो तो हम कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट पुट करेंगे। तो टोटल इसमें तीन चीज़ें हैं, कोई भी दो चीज़ें गिवन हो सकती हैं और तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी होती है। इसकी समझ जो है आपको न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तब वहाँ क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात है केसी की यूनिट, केसी की यूनिट कैसे निकालेंगे इसके लिए हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको समझने के लिए पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर वन। H2 प्लस I2 रिवर्सिबल साइन 2HI, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है रिएक्ट कर रहे हैं और उससे हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और हमसे कहा जाता है कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी केसी की यूनिट निकालें। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो है आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें इस रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे देखें कि ये हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये प्रोडक्ट है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या है, प्रोडक्ट को हमने ऊपर लिखा है नॉमिनेटर और रिएक्टेंट्स को हमने नीचे लिखा है एज डिनोमिनेटर। तो और जो प्रोडक्ट के साथ टू है नंबर ऑफ मोल्स हैं जिसको हम कोफिशेंट भी कहते हैं, इसको हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एक्सपोनेंट्स बना दिया है यहाँ पे देखें। तो ये किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस तरह करके। अब आप जानते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी यूनिट होती है मोल पर क्यूब डेसीमीटर। किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के साथ जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं इसके इसको, और इसकी यूनिट होती है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट की और इन दोनों रिएक्टेंट्स की यूनिट लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन की। एच आई की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी यूनिट हमने ये पुट की है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इसके ऊपर क्या है स्केयर, तो हमने यहाँ भी इसको स्केयर लगा दिया है। और नीचे है जी इसके हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, अब इसकी जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट पुट की है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। फिर जो आयोडीन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन की भी यूनिट पुट की है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब अगले स्टेप में हमने इसको वैसे लिख दिया है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर, और नीचे देखें एक ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है और एक ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, इसलिए जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनका भी स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर जो है नॉमिनेटर में वो भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर है, और नीचे डिनोमिनेटर में वो भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का यहाँ पे स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और के सी इज इक्वल टू नो यूनिट। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए के सी की यूनिट कोई भी नहीं बनती, मतलब नो यूनिट। यहाँ पे ये नहीं कहना है कि के सी की जीरो यूनिट, बल्कि कहना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट है कोई नहीं है इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। यहाँ बड़ी अहम बात है जो आपने ये याद रखनी है कि अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल जो हैं वो अगर इक्वल हैं तब उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट कोई भी नहीं होती। मतलब यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल कितने हैं वन, और आयोडीन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितने हैं वन, तो दोनों मिलके जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट्स के बने हैं यहाँ पे दो। तो इधर जो है वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं वो भी दो हैं, यानी रिएक्टेंट्स के मोल और प्रोडक्ट्स के मोल बराबर हैं, इसलिए के सी की जो यूनिट है यहाँ कोई भी नहीं निकलेगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर रिएक्शंस इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के सी हैज नो यूनिट। अब हम एग्जाम्पल नंबर टू लिखते हैं, N2 plus 3H2 reversible sign 2NH3,
और ये रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और 2NH3 अमोनिया जो है ये प्रोडक्ट है। तो इसकी इस रिएक्शन के लिए केसी की यूनिट निकालनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने के बाद अब हम इनकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उनकी यूनिट पुट कर लेते हैं। ये अमोनिया की जगह पुट कर दी है, ये नाइट्रोजन की जगह पे और ये हाइड्रोजन की जगह पे। अमोनिया की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट का स्केयर है क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, और हाइड्रोजन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट का क्यूब है, इसलिए हमने यहाँ भी क्यूब लगा दिया है। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्केयर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर यहाँ पे कितने हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर 3 हैं, इनमें से 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो कैंसिल हो गए हैं और बाकी नीचे एक ही मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर बच गया है। तो अगले स्टेप में क्या सिचुएशन बनेगी, 1/ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इंटू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और अगले स्टेप में क्या है कि एक कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू मोल, मोल से मल्टीप्लाई हुआ तो मोल स्केयर, डी एम माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हुआ तो DM-6, और उसके अगले स्टेप में मोल स्केयर जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा पर मोल स्केयर, और DM-6 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा DM-6। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट है फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ भी ये बात याद रखें कि जिन रिवर्सिबल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं होते, उस रिएक्शन के लिए केसी की कोई ना कोई यूनिट निकलती है। मतलब यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन जो है इसके नंबर ऑफ मोल 1 हैं और हाइड्रोजन जो है इसके नंबर ऑफ मोल 3 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट्स के कितने हो गए, 4, और प्रोडक्ट्स के कितने मोल हैं, 2। अब रिएक्टेंट के मोल 4 हैं टोटल और प्रोडक्ट के मोल हैं 2 हैं, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस तरह की सिचुएशन में केसी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई ना कोई यूनिट लाजमी निकलती है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट हो सकता है। अब यहाँ पे अमोनिया को रिएक्टेंट कंसिडर करें और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर आप प्रोडक्ट कंसिडर कर लेते हैं, तो इस सूरत में भी कोई ना कोई केसी की यूनिट बनेगी। सॉल्व करके देखेंगे आप तो यूनिट कोई ना कोई बनती है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कहेंगे, For the reactions in which the number of moles of reactants and the number of moles of products are not equal in the balanced chemical equation, Kc of course has unit. किसी भी reversible reaction के लिए equilibrium constant की unit निकालना आपने सीख लिया है। अब हम कुछ numericals जो हैं उसको देख लेते हैं। Example number 9.1, इसके statement है, when hydrogen reacts with iodine at 25 Celsius to form hydrogen iodide by a reversible reaction as follows, H2 plus I2 reversible sign 2HI। अब ये रिएक्शन जो है जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहाँ पे दी होगी। ये देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.05 है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, आयोडीन की 0.06 है जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.49 है। तो वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो वैल्यू निकालने के लिए, यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, तो वो सॉल्यूशन में देखिए। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको उसकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो लिखना जरूरी है। तो इस रिएक्शन की जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी वो ये है, H2 plus I2 रिवर्सिबल साइन 2HI। कुछ न्यूमेरिकल्स में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले ही दी होती है तो ये आपके लिए आसानी है, लेकिन बाज का न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं दी होती, तो अपने स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के फिर आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सबसे पहली चीज़ क्या जरूरी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, उसको देखते हुए फिर आपने आपने लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन उस रिएक्शन के लिए। जिस तरह ये रिएक्शन है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो ये वाला है। अब हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जो गिवन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो हम यहाँ पे करेंगे और आंसर निकालेंगे, वो होगी केसी की वैल्यू। देखें यहाँ पे स्टेप में हमने केसी इज इक्वल टू HI की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पुट की है, H2 कॉन्सेंट्रेशन ये वाली पुट की है और I2 की कॉन्सेंट्रेशन ये वाली पुट की है।
और इसका स्क्वायर होता है 0.240 के बराबर, और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 0.0030। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 80। अब 80 के साथ यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी केसी की, क्योंकि हमने सीख लिया है जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स के मोल और प्रोडक्ट्स के मोल इक्वल होते हैं वहाँ केसी की कोई यूनिट नहीं होती। तो 80 जो है ये आपने निकाल ली है केसी की वैल्यू। अब दूसरी एग्जांपल देखें, न्यूमेरिकल 9.2। स्टेटमेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 सेल्सियस एज फॉलोस N2+3H2 रिवर्सिबल साइन 2NH3। यहाँ क्या पूछ रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ दीज गैसेस, इक्विलिब्रियम पोजिशन पे इन तीनों चीज़ों की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 0.602 है, और हाइड्रोजन की 0.420 है, और अमोनिया की 0.113 है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ केसी। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिस तरह के ये वाली है N2+3H2 2NH3। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसको लिखने के बाद आपने जो गिवन डाटा है वो लिखेंगे। गिवन डाटा क्या है, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ये है, हाइड्रोजन की ये है, और अमोनिया की ये वाली है। तो उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो है वो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में यहाँ पे हम जो है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन है न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट में हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखें ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्टेटमेंट में जो दी हुई थी वो यहाँ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। आंसर निकालते हैं तो बनता है 0.286। अब यहाँ पे यूनिट बनती है केसी की पर मोल के DM6। ये भी हम पहले सीख चुके हैं कि इस रिएक्शन में केसी की यूनिट क्या बनती है। अब हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट है फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5। एक रिएक्शन है जिसमें PCl3 और Cl2 जो है वो रिएक्शन करते हैं, PCl5 बनाते हैं, यानी ये और ये क्या है रिएक्टेंट्स और PCl5 क्या है प्रोडक्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.13 मोल पर मोल DM3। यहाँ पे केसी की वैल्यू दी हुई है। ये न्यूमेरिकल जो है पिछले दोनों न्यूमेरिकल से थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ दोनों दोनों न्यूमेरिकल्स में केसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है केसी की वैल्यू जो है यहाँ देखें ये गिवन है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2, यानी ये दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, PCl3 की 10 है और Cl2 की 9 है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यानी PCl5 जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, PCl3 प्लस Cl2 लीड्स टू रिवर्सिबल साइन PCl5। तो अगले स्टेप में क्या हम करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये रिएक्टेंट इस PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन है, फिर Cl2 की है, केसी की गिवन वैल्यू है, और फिर है PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड करनी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे और यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करेंगे जो गिवन है। ठीक है, केसी की वैल्यू गिवन है, PCl3 की गिवन है, Cl2 की गिवन है, यानी केसी और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। तो वैल्यूज पुट करते हैं, केसी की वैल्यू है 0.13, PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, इस PCl3 की और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पे लिखी है। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये और ये दोनों जो है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे करके ये तीनों वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो गई। जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो ये बनता है 11.7 मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बनती है 11.7, और किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो याद रखें इसके उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, किसी भी मेडिकल में आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट की निकालने के लिए कहा गया हो या प्रोडक्ट की निकालने के लिए कहा गया हो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होती है। अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं लेसन को। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट, तो ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स
raised to the power of coefficient as explained in the balanced chemical equation. और next हमने डिस्कस किया था कि क्रिम कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए. वो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उस रिएक्शन का क्या लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन, उसके बाद मोलर कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे, सॉल्व करके हम उसकी यूनिट निकाल लेते हैं. तो यहाँ हमने अहम बात क्या डिस्कस की थी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोलर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल हैं उनके लिए केसी की यूनिट कोई भी नहीं निकलती. दूसरी एग्जांपल में हमने जो है वो देखा था N2+3H2 रिवर्सिबल साइन 2NH3. तो सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन लिखा, कॉन्सेंट्रेशन पुट की और इनको जब सॉल्व कर लेते हैं तो इसका इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट निकलती है पर मोल स्क्वायर DM6. तो क्या अहम बात है यहाँ पे कि जिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं होंगे वहाँ केसी की कोई ना कोई यूनिट लाजमी निकलती है. तीसरे नंबर पे हमने किए थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 9.1, 9.2 एंड 9.3. उसका क्या तरीका बताया था आपको कि सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसको देखते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जो चीज़ पूछी हो, फॉर एग्जांपल अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पुट करके हम केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं. और न्यूमेरिकल्स में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती थी कि केसी की वैल्यू गिवन होती है और या फिर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना होती है या फिर प्रोडक्ट की. अब आपके लिए असाइनमेंट है, इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यहाँ पे हम आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन को याद करें अच्छे तरीके से, जेन शीन कर लें. और जो दूसरा क्वेश्चन है राइट द केसी एक्सप्रेशंस एंड केसी यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस. क्वेश्चन नंबर टू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये पूरा लेसन जो है आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा. तो पहला रिएक्शन क्या है, CO+3H2 रिवर्सिबल साइन CH4+H2O. तो ये एक रिएक्शन है, इसमें इस रिएक्शन के लिए आपने KC एक्सप्रेशन भी लिखना है और इसकी यूनिट भी निकालनी है. इस रिएक्शन के लिए KC की यूनिट भी निकालनी है. दूसरा रिएक्शन है ये वाला 2N2O रिवर्सिबल साइन 2N2+O2. तीसरा रिएक्शन है N2+O2 रिवर्सिबल साइन 2NO और चौथा रिएक्शन है 2NH3 रिवर्सिबल साइन N2+3H2. Thank you.